नमस्कार, मैं हूं आपका अपना कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं। जिस तरीके से ईडी ने अचानक ये कार्रवाई की है, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे थे। लग्जरी गाड़ियों का काफिला बिल्कुल तैयार था उनके स्वागत के लिए। बड़ी बड़ी गाड़ियां जिनके सनरूफ से, जो रूफ टॉप होता है उसका, उसमें से बाहर निकलकर अरविंद केजरीवाल बैठकर छत पर बड़े धूमधाम से तिहाड़ जेल से, जैसे पता नहीं कितना बड़ा आदमी निकलकर आ रहा है, एक भ्रष्टाचारी, ऐसे जुलूस के साथ लाया जाता। और चुनाव प्रचार में वो जिस तरीके का झूठा झूठ भरा नैरेटिव फैलाता, उस पर अब पूरी तरीके से विराम लग गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अरविंद केजरीवाल है और उसके जो परिवार के लोग, जो मैडम सीएम है, आखिर उनका सबसे बड़ा दुख क्या है? अरविंद केजरीवाल आखिर सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? ऐसा क्या क्यों चिपके हुए हैं? नहीं समझ आ रहा है, लेकिन हम आपको बताते हैं। दरअसल उनका जो मोह है ना, वो शीश महल में बहुत ज्यादा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल शुरू से ऐसी लग्जरी गाड़ियों के शौकीन थे जिनमें बैठकर उन्हें बहुत आनंद आया करता था। दरअसल अरविंद केजरीवाल सुरक्षा में चलने के आदी हैं। बड़े उन्हें चाहिए कि उनके आगे पीछे पुलिस के गार्ड चल रहे हैं, गनमैन चल रहे हैं, और वो एकदम वीवीआईपी कल्चर, लाल बत्ती लगी हुई गाड़ियां, नीली बत्ती लगी हुई गाड़ियां, उन्हें सलूट कर रहे हैं लोग। ये सारा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का ये पूरा एक पूरा शौक था, शगल था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल के साथ क्या होने वाला है? दरअसल आज की रात उन्हें नींद नहीं आई। पूरी रात इधर तो वो करवट बदल रहे होंगे, इधर मैडम सीएम करवट बदल रही होंगे, हमारे शीश महल का क्या होगा? भैया ये बता दो, उन पर्दों को हम लेके जाएंगे? ये बता दीजिए कि वो कबोर्ड का क्या करें, उस संगमरमर का क्या करें, वो इलेक्ट्रॉनिक पर्दों का क्या करें, उन लाइटों का क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं, एक आपने सुना होगा एक टोटी चोर था हमारे यहाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी एक टोटी चोर हो, ये कबोर्ड चोर बन जाए? देखना होगा, सरकारी एजेंसियों का काम है उस कबोर्ड को भी चेक करें, बिल से मिला लें कि कहीं उस कबोर्ड को ना उठ उखाड़ के ले जाए आदमी। हालांकि स्टील की एक घटिया सी आजकल इस्तेमाल कर रहा होगा, सुबह सुबह तिहाड़ जेल के अंदर सड़ रहा है, जिस काल कोठरी में। तो बड़ी बात है कि शीश महल का क्या होगा? शीश महल छिन जाएगा बॉस, जैसे ही जाएगा ना, जैसे ही अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, उनको गर्दन पकड़ के उनकी जो है उनसे साइन कराए जाएंगे, तो तुरंत सबसे पहली गाज गिरेगी शीश महल पे। जंगल में, सिविल लाइन एरिया में बनवाया हुआ शीश महल चला जाएगा, जिसके लॉन में बैठ के चाय पीने का सपना देखता है यार। इसके बाद लग्जरी गाड़ियों का क्या हुआ? एक सेकंड में छिनेंगी, इधर सिग्नेचर हुए उधर गाड़ियां गई। अब बेचारे को वो नीली वैगन आर कार कौन देगा? उसकी तो डेट भी निकल गई होगी, होगा कोई लाएगा? केजरीवाल जो है एकदम सड़क पे आ जाएगा फिर से। लेकिन हम आपको ये भी बता देते हैं, यह आदमी सड़क पे नहीं आएगा, क्योंकि हजारों हजार करोड़ रुपए इसने भ्रष्टाचार से जो कमाए हैं, वो इसे जिस तरीके से सीएम के पद से हटने के बाद इसके काम आएंगे, सचमुच ये उसके बाद भी बड़ा अच्छी लाइफ गुजारेगा। विदेशों में भी बंगला ले लिया। बंगला वो है जहां राघव चड्ढा लंदन के अंदर जिस बंगले में रह रहे हैं, जिसके बराबर में विजय माल्या रहता है, ये वो बंगला, उसकी भी जांच अंदर खाने तो चल ही रही है, हमारी एजेंसियां लगी हुई हैं, उसका पता किया जाए कि आखिर वो बंगला किसका है, क्योंकि राघव चड्ढा ने ये सारा जो खेल किया है। अरे ओफ, सुकेश चंद्रशेखर को तो आप भूल गए? अरे वही तिहाड़ जेल के अंदर जो महाठग है सुकेश चंद्रशेखर, जिसको राज्यसभा भेजने के एवज में करीब 400 करोड़ रुपया खाया है अरविंद केजरीवाल ने, उसका क्या?
उसने कहा था, बयान दिया है, सरकारी गवाह बनने जा रहा है वो। उसने कहा कि केजरीवाल के लिए सत्येंद्र जैन के कहने पर मैंने दुबई के अंदर 2 अपार्टमेंट खरीदे, वो भी हैं। इसके अलावा जो इनका जो पीए है विभव, उसकी एक एक्स है, उनके नाम पर भी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद एक्सटेंशन, इन सब में खरीदी गई हैं बेनामी प्रॉपर्टियां। अब ये जो बेनामी प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं, पूरे पूरे अपार्टमेंट खरीद लिए गए हैं, आधी आधी सोसाइटी खरीद ली गई है, सारा पैसा वहां इन्वेस्ट किया गया। तभी तो कहते थे एक पाई नहीं मिली आज तक। कौन कहता है पहला केस है एक पाई बरामद नहीं। अरे पाई कहां से बरामद होगी भैया, आप सारा पैसा हवाला ऑपरेटरों के द्वारा आप भेज रहे थे दिल्ली से बाहर, देश से बाहर, वहां पर प्रॉपर्टियां खरीद रहे थे, आप ऐसे लोगों को भर्ती कर रहे थे आम आदमी पार्टी में, पोस्ट दे रहे थे जिन लोगों से आपने हजारों करोड़ की रिश्वत खाई और उनसे ही इन्वेस्ट कराया। सबसे बड़ा इन्वेस्टर था सत्येंद्र जैन, इनका सबसे बड़ा इन्वेस्टर था, बहुत पैसा उसने इधर से उधर किया, उसी केस में पड़ा सड़ रहा है जेल के अंदर। इसके बाद जो आप एक चीज पे गौर कीजिए, ये तो मैंने नहीं कहा, एजेंसियां कह रही हैं, जो आतंकवादी है सर्टिफाइड आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू, उस पन्नू ने कहा मैंने इनको 2015 से 2022 के बीच में 16.7 मिलियन यानी के करीब 133 करोड़ रुपया दिया अरविंद केजरीवाल। पन्नू कहता है, आरोप लगाता है, आतंकवादी, सर्टिफाइड आतंकवादी हिंदुस्तान का, CIA का एजेंट, वो कहता है मैंने इनको इतना पैसा दिया। तो आखिर वो पैसा कहां गया, उसकी मनी ट्रेल अरविंद केजरीवाल बता दे। कोई नहीं बोला, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, चुप्पी साध गए, बोलते ही नहीं है इस बात पे, नहीं बताते कुछ भी। तो वो 133 करोड़ कहां गया साहब, जो विदेशों में प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं वो उसी पैसे से, ऐसे पैसे से ही खरीदी गई, जो चाइना से पैसा आया, जो दूसरी जगहों से पैसा आया हिंदुस्तान के लिए, दिल्ली के अंदर गड़बड़ी फैलाने के लिए, जो देश के दुश्मनों ने पैसा दिया अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को, वो सब वहीं का वहीं इन्वेस्ट किया। और ये सारा काम कर रहा था राघव चड्ढा, ये सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ईडी का पार्ट है। ईडी की चार्जशीट जब कल दाखिल होगी, बड़े बड़े धमाके होंगे, बड़े बड़े खुलासे होंगे, रोएगा, आज की रात नींद नहीं आएगी मैडम, CM को भी, अरविंद केजरीवाल को भी, संजय सिंह को भी, भगवंत मान को भी, बहुत सारे, और विभव कुमार जो इनका सबसे पर्सनल आदमी है, 2008-09 से यह आदमी अरविंद केजरीवाल के साथ है और अरविंद केजरीवाल के हर काले धंधे में ये आदमी के हाथ काले हैं, बड़ी बात है। और विदेशों में बहुत प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं, राघव चड्ढा ने बाकायदा बिटकॉइन की कंपनी बनाई है दुबई के अंदर, जाकर उसको कंपनी में इन्वेस्ट किया गया सारा पैसा। तो ये सारी चीजें निकलकर जो सामने आ रही हैं, गोवा चुनाव में गोवा चुनाव के अंदर 45 करोड़ रुपया हवाला के जरिए भेजा गया, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, ईडी कह रही है, चरणप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। चरणप्रीत सिंह ने जिस 45 करोड़ से आम आदमी चप्पल पहनने वाला, फ्लोटर्स, पापा की पैंट, पापा की कमीज, एक पैन लगा के चलने वाला लग्जरियस ग्रैंड हयात गोवा के अंदर प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर मौज काट रहा था, क्या स्पा ले रहा था, क्या स्विमिंग पूल में तैर रहा था, जाके लेट रहा था, क्या मतलब कौन कौन से बाथ ले डाले इस आदमी ने, 10 से 15 हजार की एक प्लेट खाने की, 5 से 7 हजार की पानी की 1 लीटर की बोतल, और साहब तो छलकाए जाम है ना।
तो ये जो सारी एस थी ये हवाला ऑपरेटर के पैसे पे एस की जा रही थी। हवाला ऑपरेटर कौन था? चरणप्रीत सिंह चन्नी, जो ईडी ने गिरफ्तार कर रखा है उसे, उसके एक साथी को भी पकड़ा है, और 45 करोड़ रुपए दो पार्ट में इसी चरणप्रीत सिंह चन्नी ने रिसीव किए थे गोवा के अंदर हवाला ऑपरेटर से, और ये पैसा दिया गया था के कविता की कंपनी द्वारा 100 करोड़ की रिश्वत, जिसमें से बाकी का पैसा आम आदमी पार्टी में गया, एक पार्ट आम आदमी पार्टी में गया, एक पार्ट केजरीवाल के पेट में गया, एक पार्ट गोवा चुनाव में गया। यानी कि आम आदमी पार्टी ने भी भ्रष्टाचार किया, अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी ने भी भ्रष्टाचार किया। 45 करोड़ पे ऐश कर रहे थे लग्जरी होटल में, बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कैसा आम आदमी आपने चुनकर भेजा भैया, एक मफलर बांध कर आया, बड़ी बड़ी बातें की, क्या उसका एक एफर्ट्स अन्ना हजारे की छाती पे पैर रख के उसी मंच पे लौट गया चद्दर ओढ़ के, और बिल्कुल मरी हालत में, जैसे मतलब क्या बोले के उसके बारे में, कुछ कहने को भी मन नहीं करता है। कैसी हालत में उसे अस्पताल तक ले जाना पड़ा, बस यहीं से इस आदमी का टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया, और इतना पैसा आज इसने कमा लिया है। लेकिन हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये आदमी सीट पे रहे या ना रहे, इसके पीछे एजेंसियां लगी हैं और इसकी सारी एक एक पाई का हिसाब इससे लिया जाएगा, एक एक पाई का, इससे, मनीष सिसोदिया से, सत्येंद्र जैन से और संजय सिंह से, इन सब से एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा और इनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये तिहाड़ जेल के अंदर ही सड़ेंगे 99%, हम आपको कहते हैं कल इनको किसी भी तरीके से बेल नहीं मिलने वाली है। हमने आपको जब तिहाड़ जेल के मैनुअल की बात आई थी याद कीजिए, हमने तब भी आपको कहा था किसी भी हाल में कानून के पास भी ऐसा कोई कानून नहीं होता, फिर से सुनिए, कानून के पास भी ऐसा कोई कानून नहीं होता कि वो कानून को तोड़वा दे। मैनुअल के बारे में हमने कहा था कि तिहाड़ जेल का जो मैनुअल है उसी के हिसाब से इनके साथ बर्ताव होगा। हम आपको एक बार फिर कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो कानून है उसी के अनुसार कल बर्ताव होगा। लेकिन कल की रात, आज की रात इन पर बहुत भारी है, नींद नहीं आएगी अरविंद केजरीवाल को। तिहाड़ जेल प्रशासन से जो हमारे सोर्स है उनसे पूछना पड़ेगा कैसे कटी इनकी रात, जरूर आपको शायद अगले वीडियो में हम बताएं कितनी बुरी रात इनकी कट रही है, क्या क्या आलू पूरी सब्जी हलवा चाय चीनी घोल के आराम से पी रहे थे, इंसुलिन का ड्रामा करना था। ये किसी भी हाल में ये आदमी देश के अंदर एक हंगामा क्रिएट करना चाहता है। ये जब से देश की राजनीति में शामिल हुआ है तब से हंगामा ही क्रिएट करता रहा है और आगे भी ऐसा जारी रखेगा अगर आप सबने इसका कोई इलाज नहीं किया। बहरहाल एक रिक्वेस्ट आपसे है, हम्बल रिक्वेस्ट, हम नेताओं को बहुत जल्दी गाली देते हैं, हम नेताओं को लगातार कोसते हैं, अगर नाली के अंदर, हमारी गली के अंदर नाली का पानी अगर फ्लो करने लगे तब भी हम नेताओं को गाली देने लगते हैं। लेकिन आखिर इन नेताओं को चुनता कौन है, हम और आप ही ना? तो हमारा एक वोट, जब हमें इन नेताओं को चुनने की बारी आती है तब हम क्या देखते हैं, जाति धर्म दोस्त अच्छा चेहरा शरीफ ये सब देखते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा मत कीजिएगा, चुनिएगा उसी को। एक तो सबसे पहले आप वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि वोट हमारा अधिकार नहीं है, हम हमारे देश का अधिकार है हमसे। हम एक देश को एक ऐसा नेता देते हैं जो हमें अच्छा शासन प्रशासन दे सके, जो हमें अच्छी पॉलिसियां दे सके, जो हमारे साथ अच्छा काम कर सके, जो हमारे हमें अच्छी सुविधाएं दे सके। मुफ्त का सौदा नहीं चाहिए, अच्छी सुविधाएं चाहिए। दिल्ली को आज सड़कों की जरूरत है, बहुत बेहतर सड़कें, जो केजरीवाल ने एक ईंट नहीं लगाई। आज दिल्ली को यमुना के ऊपर 2 से 3 फ्लाईओवर्स की जरूरत थी जो नहीं बने। दिल्ली को आज बहुत ज़्यादा
गली मोहल्लों में डेवलपमेंट की जरूरत थी जो नहीं हुआ, सड़कों की जरूरत थी जो नहीं बनी, ट्रैफिक के लिए 2 से 3 एलिवेटेड रोड की जरूरत थी जो नहीं बने। आज दिल्ली जाम से जूझ रही है, करा रही है, रिक्शे ई रिक्शे ठेली रेड़ी वालों की भरमार है सड़कों पर। जो यहाँ का टैक्स पेयर है वो आज बहुत दुखी है। अगर आप 4 पहिए की गाड़ी से निकलते हैं तो आप सबसे बड़े दुश्मन हैं उन लोगों के। आपके लिए एक आदमी सड़क पर नहीं खड़ा होगा क्योंकि आपने एक गलत आदमी को चुनकर भेजा। आप जो आपका हक था, क्योंकि आप टैक्स पेयर हैं, हम आपको ये भी याद दिला देते हैं, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिएगा, मैंने कोविड के समय एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, रोजाना मैंने नौकरी की, अपडेट रहा हूं डेली टू डेली, एक छुट्टी नहीं ली कोविड समय में। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आंकड़े उठा लीजिएगा। एक हमारे यहाँ एक और साहब आए थे, अनिल बैजल साहब, राज्यपाल उपराज्यपाल बनाए गए थे, बहुत महाभ्रष्ट आदमी थे। उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर किया था सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को कि जितने भी कार वाले लोग थे उनके चालान किए जाते थे, जिनके ऑफिस चल रहे थे ऑफिसों में घुसकर चालान किए जाते थे, लेकिन किसी भी रेड़ी ठेली ई रिक्शा ग्रामीण मुद्रिका इनमें बैठे हुए लोगों के कोई चालान नहीं हुए जिन्होंने कभी मास्क नहीं लगाया। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। तो इसलिए मतदान जरूर कीजिएगा, जाइएगा, अपना जो अच्छा लगे उसको नेता चुनिएगा। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।